आसन नाइस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन लेके आ चुकी हूँ जर्सी मूवी रिव्यू। तो आखिरकार 2 साल बाद यानी कि कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म साउथ सुपरस्टार नानी स्टार जर्सी की हिंदी रीमेक है। फिल्म के हिंदी डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी ओरिजिनल डायरेक्टर गौतम त्रिनुन्नी ने ही संभाली है। हम अक्सर किताबों व फिल्म में ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ते सुनते और देखते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस का परचम लहराया होता है और फेलियर लोगों के बारे में शायद ही कोई बात करता है। 100 में से 1 कोई ऐसा होता है जिसके कामयाबी मिलती है, लेकिन जर्सी की कहानी उन 99 लोगों को डेडिकेटेड है जिनकी दास्तान कभी सुनी होगी ना ही कभी देखी होगी। जर्सी चंडीगढ़ के रणजी स्टार क्रिकेटर अर्जुन तलवार यानी कि शाहिद कपूर के करियर की जर्नी पर बनी हुई है। क्या कहती है फिल्म की कहानी, आइए इस पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। अपने शहर के पॉपुलर रणजी स्टार अर्जुन तलवार इंडियन टीम में सिलेक्शन ना होने की वजह से 26 साल की उम्र में अपने क्रिकेट के टॉप करियर को छोड़ने का फैसला लेते हैं। अब सरकारी नौकरी कर अर्जुन अपनी वाइफ विद्या यानी कि मृणाल ठाकुर और बेटे किट्टू यानी कि रौनित कामरा की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसी बीच अर्जुन पर झूठा केस लगने की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अब घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है विद्या पर जो कि एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। पैसे की तंगी है और अर्जुन की लापरवाही उन दोनों के रिश्ते में दूरी लाती है। हालांकि इस दौरान अर्जुन अपने बेटे के और ज्यादा करीब आ जाते हैं। बेटे की नजर में एक बेहतर पिता बनने की सारी कोशिश करते हैं शाहिद कपूर। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब बेटा किट्टू अपने बर्थडे पर पापा से जर्सी की डिमांड करता है और उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अर्जुन के पास 500 रुपए तक नहीं होते हैं। अपने बेटे की नजर में लूजर बनने के डर से अर्जुन अपने 10 साल से छूटे करियर क्रिकेट की ओर लौटते हैं। हालांकि 36 साल की उम्र में क्रिकेटर बनने का सपना क्या अर्जुन साकार कर पाते हैं और बेटे को जर्सी दिला पाते हैं, इसके लिए आपको फिल्म जरूर देखनी पड़ेगी। तो वहीं अरसे बाद बड़े पर्दे पर पंकज कपूर को देखना ही सुखद है। अपने बेटे शाहिद कपूर के कोच बने पंकज कपूर हर फ्रेम में लाजवाब बैठते हैं। आखिर में बात आती है कि आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। इस फिल्म को आप भी देखिए, अपने बेटे को जरूर दिखाइए, अपनी माँ के साथ जाइए और हो सके तो अपने पिता के साथ जरूर जाइए। अपने पिता को ये फिल्म दिखाने के लिए जरूर लेके जाइए। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और मूवी रिव्यूज के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।